हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आप मुझे घूमते फिरते देख रहे हैं, तो मैं आई हूँ शॉपिंग मॉल में। और क्यों आई हूँ, क्योंकि मैंने कुछ शूज़ ऑर्डर किए थे 4-5 दिन पहले, तो वो मेरे आ गए हैं। तो अभी वो मैं लेने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि उन्होंने साथ छोटा सा व्लॉग बना लूँ। तो अभी बस मैं जा ही रही हूँ, तो साथ साथ मैं आपको दूसरी शॉप्स वगैरह भी दिखा दूँगी चलते फिरते। अभी वैसे मैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रही हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स और ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह हैं, और उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड थर्ड फ्लोर पे फिर आगे बस क्लोथ्स और शूज़ इस टाइप की बाकी सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नए शूज़ लेने। वैसे वो होम डिलीवरी भी करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा गर्मी होती नहीं हूँ, बाहर ही घूमती रही होती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि पता नहीं मैं तब घर हूँ या नहीं हूँ, तो इसलिए फिर मैंने उनको बोला कि आप अपने स्टोर पर मंगवा लें और उधर से फिर मैं ले लूँगी। तो अभी मैं लेने जा रही हूँ। ये डॉक्टर मोबाइल है, ये इंडियन शॉप, और कॉफ़ी स्टोर है, और ग्लासेस वाली शॉप। तो अभी हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। अगर ग्राउंड फ्लोर दिखाऊँ करें फिर थर्ड। इधर से मैं गुजर रही हूँ, तो मुझे ये इधर जीन्स नज़र आई ऑरेंज कलर में, तो मैंने सोचा वो मैं देख लूँ। जाना मैंने वैसे एक सी और शॉप पे है शूज़ लेने, लेकिन रास्ते में मुझे ये नज़र आ गया, तो मैंने सोचा कि ये भी देख लूँ। आप लोग भी देख लो, किसी को कोई चीज़ पसंद है। बस मैं जल्दी में बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा इतना कुछ खास नहीं है। ये जींस है, नज़र आ रही है ना ऑरेंज कलर में, तो फिर मैं देख रही हूँ स्टफ़ वगैरह क्या है, किस तरह की है, कौन सी है। अच्छा, मैं इधर ना 10 मिनट से खड़ी सोच रही हूँ कि पहले मैं जीन्स ट्राई करके ये ले लूँ, या फिर पहले मैं शूज़ लेने जाऊँ। और मैं 10 से 15 मिनट इधर ही खड़ी रही, बस यही सोचती रही, और मैंने किया कुछ भी नहीं। मतलब मैं इतना टाइम ट्राई करके ले सकती थी, लेकिन वो टाइम बस मैंने वेस्ट किया। और इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, पहले मैं शूज़ लेने जाती हूँ, फिर वापसी पे इधर आ जाऊँगी। तो अब मैं जा रही हूँ ये साइड के सारे शॉप्स हैं, इधर से पूरा गई देखिए। मैं बाग रोड रही हूँ, ये बस बिल्कुल हम आ गए हैं, ये सामने ये वाला। इधर से मैंने ऑर्डर किए थे शूज़, लेकिन मैंने सोचा कि पास मतलब बहुत अच्छे क्लोथ्स वगैरह होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो मैंने सोचा चलो वो अभी थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। वैसे अभी इधर ना सेल्स चल रही हैं, हर शॉप पे, हर ब्रांड पे इधर सेल्स चल रही हैं, समर सेल्स। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं ले लेती हूँ अपने शूज़, तो उसके बाद मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो फिर मैंने उससे बोला कि मुझे दे दो, तो अभी वो लेने गई है, और वो इतना बड़ा बॉक्स उठा के ले आई। तो मैंने फिर बोला इतना बड़ा मैं कैसे उठा के लेके जाऊँ, तो फिर वो मुझे कहती है कि मैं तुम्हें ना एक दूसरे में डाल देती हूँ, वो इजी है, तो फिर वो ले जाना। मैंने कहा ठीक है, कर दो तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी बस वो डाल रही है बैग में, अच्छा। तो मैंने ना तीन शूज़ ऑर्डर किए थे,
एक ब्लैक कलर में थे और एक वाइट और ब्लू और एक वाइट और ग्रीन में। और आ गए फाइनली। अब मैं आपको दिखाऊंगी इनके पास किस किस टाइप के, किस तरह के, कौन से डिज़ाइन में क्लोथ्स वगैरह वो सारे। लेकिन इनका सेटअप मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके पास स्टोर पे बस क्लोथ्स होती हैं और ऑनलाइन मतलब शूज़ वगैरह इस टाइप के बाकी सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन वो बस आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी जो क्लोथ्स वगैरह हैं वो बस आप स्टोर पे जाके ले सकते हैं। ये सारे जीन्स हैं जैसा कि आप लोग देख सकते। इधर ये सारी ज्वेलरी है, ये एक स्टार टाइप ना छोटा सा लगाया हुआ है। इस साइड पे ये सारी नजर आ रही है ना, ये इस पे सेल है। अभी मैं रिंग्स दिखाती हूँ। ये बहुत क्यूट है, देखो कलर इनके कितने अच्छे हैं। और इस साइड पे फिर हेयर क्लिप्स काफ़ी ज़्यादा, और आगे फिर ये दूसरी साइड पे और ज्वेलरी है। ये इयर रिंग्स इधर थे, ये वाले ये देखो कितने प्यारे बने हुए हैं। ये सिल्वर कलर में भी थे और गोल्डन। ये देखो आगे नीचे तक सांप, ये देखो ये कितना प्यारा है। ये आगे फिर और ज्वेलरी है, ये इयर रिंग्स हैं। पहले मुझे लगा था ये शायद रिंग्स हैं। और हेयर बैंड्स, आगे फिर और रिंग्स। काफ़ी ज़्यादा कलर्स में थे। ये भी प्यारी है, ठीक है। और आगे ये मैंने कुछ थोड़े बहुत बैग्स लगाए हुए थे। नेल पेंट्स, मतलब मेकअप की भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी, थोड़ी सी ज्वेलरी थी, बाकी थोड़े से बैग इस टाइप, मतलब उन्होंने सारा मिक्स कर रखा हुआ था। लार्ज चांस टू बाय, ये इन पे सेल थी। देखो चार पांच उन्होंने शर्ट्स रखी हुई हैं, देन इन पे फाइनल सेल थी। और ये अभी जो जीन्स, ये ट्राई रूम, और ये आगे ये सारे पे सेल लगी हुई हैं, ये सारे सेल वाले इधर। ऐसे तकरीबन पूरे स्टोर पे ही सेल है, कुछ चीज़ों पे 15%, कुछ में 25, कुछ में 15% भी थी। ये कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं ना, ग्रीन और पर्पल ऐसे ही थे साथ में। ये आगे फिर और टी शर्ट्स हैं, ये जीन्स हैं, और ये मेरे शूज़ हैं। ये भी सारे जीन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा जीन्स हैं इनके पास स्टाइल, हर स्टाइल में। तो ना मुझे लग रहा था कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, जो स्टार्ट में मैंने बोला था कि छोटा सा, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने उधर से टी शर्ट ली थी, वो भी मैंने नहीं दिखाई। फिर मैंने सोचा कि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वैसे डायरेक्ट आपको मैं दिखा दूँगी। तो अब मैं वापस जा रही हूँ। ये सब ये एडिडास की है, ये आगे बच्चों के खिलौने हैं। और ये क्यूब्स, ये वो है जिधर से मैंने वो जीन्स देखी थी, तो अब मैं इधर जाऊँगी वो लेने के लिए। तो जीन्स लेके मैं खड़ी हूँ पेमेंट के लिए, काफ़ी ज़्यादा रश है।
तो बस मैं वेट कर रही हूँ। तो मैंने जीन्स भी ले ली है, अब मैं वापस जा रही हूँ। देखो बलून्स कितने अच्छे लग रहे हैं, ऊपर से स्काई भी। ऐसे चलते हुए जा रही हूँ। अच्छा तो इसकी शूज़ वगैरह की अनबॉक्सिंग नहीं करूँगी मैं, और वो भी इसी ब्लॉग में दिखाऊँगी, ठीक है। एंड फिर लेकिन अब घर जाके जो जीन्स ली है वो भी, और टी शर्ट, मतलब सब कुछ मैं दिखाऊँगी आप लोगों को, ठीक है। तो अब मैं तीन हूँ मैं घर जाके, ठीक है। हेलो, वेलकम अगेन। तो मैं घर आ चुकी हूँ, तो अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। अच्छा, और मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही मैंने कैसे करनी है, क्या करना है, कैसे दिखाना है। अच्छा तो सबसे पहले जो ऊपर चीज़ है वो मैं दिखाती हूँ। सो सबसे ऊपर है जीन्स, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। वैसे दिखाने वाला इसमें है कुछ नहीं इस तरह का, बस जीन्स है सिंपल ऑरेंज कलर में। बस देख लो आप लोग भी। अच्छा मैं देख रही थी कि ये कौन सी है, मॉम्स फिट है। बस ये जीन्स हमने ली है। अच्छा तो मैं जब भी कोई चीज़ लेती हूँ तो मैं फिर वापस पे सेम उसे पैक करके जैसे पहले आती है वैसे रखती हूँ। तो भी मुझे याद है कि ये तो वीडियो बन रही है, फिर मैंने सोचा ये बाद में करूँगी अब है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अगली चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगी वो है, पहले मैं ज़रा चेक कर लूँ कौन सी है। हाँ तो वो है टी शर्ट, ये ब्लैक टी शर्ट जो मैंने ली है। जिधर से मैंने शूज़ लिए ना, ये उधर से मैंने लिए, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी तब। ये बस सिंपल सी ब्लैक टी शर्ट है तो मैंने ले ली। देख रहे हैं ना, सेम स्टोर है। बस अच्छी है, क्यूट सी है ना। और फिर मैंने वही करना स्टार्ट कर दिया जो मेरी आदत है। हेयर तो फाइनली बारी आती है मेन चीजों की, जो मैं लेने गई थी शूज। तो अभी एक ही करके वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहला शूज बाहर आ चुका है, इतनी ज्यादा इन्होंने पैकिंग की हुई है। एक कुछ मैं आराम आराम से, काम भी आराम से करती हूँ, और दूसरा जो इन्होंने पैकिंग की हुई है, इतनी ज्यादा पैकिंग और इतना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और कुछ मैं अनबॉक्सिंग पहली दफा कर रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैसे करते हैं। और अच्छा, उन्होंने दोनों शूज जो है ना वो बांधे हुए हैं दोनों एक साथ, तो एक भी नहीं निकाल सकते, दोनों ही निकालने हैं इकट्ठे। तो 20 मिनट की मेहनत के बाद मुझे बॉक्स में से शूज नजर आए हैं, इतनी ज्यादा पैकिंग। तो ये है शूज, कुछ ऐसे दिखते हैं। दो तीन कलर्स हैं, थोड़ा सा ब्लैक है, ऑफ वाइट काफ़ी ज़्यादा है, और ब्लू और वाइट भी है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं ऐसे करके देख रही हूँ। क्योंकि मैं भी, मैंने पहले पिक पे देखे थे और अभी आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग की है, तो अभी देखे। तो अब एक बार फिर हम अपना बैग उठाते हैं और इसमें से दूसरे शूज निकालते हैं। दो शूज रह गए अब इस बैग में। और अब फिर सेम चीज, 20 मिनट लगेंगे अब इसको खोलने में। वैसे तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जो इन्होंने दोनों शूज जो है ना वो साथ में बांधे हुए हैं, तो अगर निकालने हैं तो दोनों निकालने, एक नहीं निकाल सकते,
तो इस वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। अच्छा, जो पहले वाले शूज़ हैं और ये वाले, ये दोनों डिज़ाइन में सेम है, लेकिन बस कलर जो है ना, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। मुझे दोनों अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने दोनों ले लिए। तो अब फाइनली बारी आती है आखिरी शूज़ की। इसका बॉक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और वेट भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर निकल आया तो जी, ये है शूज़। ये ब्लैक कलर में है। खैर, मैं ऊपर से वो उतार के दिखाती हूँ। ये भी दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। ये बस सिंपल से ब्लैक कलर में कोर शूज बने हुए हैं। ये विंटर्स वाले बिल्कुल भी नहीं। विंटर में भी यूज कर सकते हैं, समर में भी कर सकते हैं। तो ये थी मेरी शॉपिंग और अनबॉक्सिंग। मुझे तो सब कुछ पसंद था, इसीलिए मैंने लिया। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन से शूज़ अच्छे लगे। ठीक है। अच्छा, तो हमारा शॉपिंग बैग अभी हाल ही नहीं हुआ, इसमें अभी कुछ और भी चीज़ है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। स्किप नहीं करना बिल्कुल। ये अभी हुआ है हाल ही, और इसके साथ वीडियो भी एंड। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।